If you like the video, please subscribe and share. The link of the notes are given in the description box. Hello student, my name is Devinder Singh. Today I teach you aldehyde and ketones preparations. Preparations on page number first. Alkene, alkene में से E हटाइए plus O लगाइए. O इसका suffix होता है. Alkenol नाम आता है. Prefix plus suffix दो part से मिलके organic compound का नाम बनता है. Prefix plus suffix. Suffix जो है इसमें एल है जो आपका एल्डिहाइड है उसमें ए लगता है जैसे एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ मिथेनॉल फर्स्ट ओल फर्स्ट सी एस सी सी एच ओ इथेनॉल फर्स्ट सी थ्री एस सेवन सी एच ओ ब्यूटेनॉल फर्स्ट सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच साइड चेन में सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ वन टू थ्री काउंटिंग उधर से की जाएगी जैसे सी एच ओ पास है टू मिथाइल प्रोपेनॉल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ हैव द बोथ हैव द जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन ओ फुल स्टॉप बोथ टाइप्स ऑफ कंपाउंड कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन एल्डिहाइड वन वैलेंसी ऑफ दिस ग्रुप इज यूनाइटेड विद वन हाइड्रोजन एटम एंड द अदर इज यूनाइटेड विद एन एल्काइल ग्रुप ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड फुल स्टॉप While in ketone, both the valences are united with alkyl groups. Thus, इस प्रकार C से एक बार alkyl group जो है R attach कीजिएगा single bond के साथ एक side में H attach किया single bond के साथ double bond हो ये aldehyde होगा इसी टाइप में C से दोनों साइड में सिंगल वैलेंसी के साथ आर आर अटैच कीजिएगा डबल बॉन्ड ओ ये कीटोन होगा आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ कीटोन में इसमें सुफिक्स ओन होता है एल्केन में से ई हटा के प्लस ओन लगाइए एल्केनोन नाम होता है इसका जनरल फार्मूला आर सी ओ आर ये यानी कि बीच में सी ओ होगा कीटोनिक ग्रुप होगा या आर सी ओ आर डैश हो सकता है यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है वे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं सी एस सी ओ सी एस थ्री काउंटिंग उधर से होती है जिधर सी ओ नियर हो प्रोपेनॉन टू सी एस सी सी ओ सी एच टू सी एस थ्री ब्यूटेनॉन टू सी एस सी सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एस थ्री पेंटेनॉन थ्री सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच साइड चैन में सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री ये थ्री टू मिथाइल थ्री हेक्सेनॉन होगा ऑन पेज नंबर टू प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल ए पार्ट में बाई डायरेक्ट ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद के टू सी आर टू ओ सेवन एंड एच टू एस ओ फोर प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड आर सी एच टू ओ एच ये प्राइमरी एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा प्लस ओ के टू सी आर टू ओ सेवन ऑब्लिक एच टू एस ओ फोर की प्रजात में आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ प्लस एच टू ओ एल्डिहाइड बन जाएगा इसी टाइप से आगे जगह आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच ये मिथाइल एल्कोहल है आपका सी एस थ्री ओ एच प्लस ओ का ऑक्सीडेशन कराइएगा के टू सी आर टू ओ सेवन ऑब्लिक एच टू एस ओ फोर वाटर रिमूवल कीजिएगा एस सिंगल बॉन्ड सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच प्लस ऑक्सीडेशन कराइएगा के टू सी आर टू ओ सेवन सी एस सी सी एच ओ प्लस एच टू ओ बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा ऑन पासिंग द वेपर्स ऑफ द एल्कोहल आवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच कॉपर कैटलिस्ट हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्राइमरी एल्कोहल है आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ प्लस एच टू इसमें एच टू निकलती है एल्डिहाइड बनता है इससे आग की जगह एच लिखिएगा एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच मिथाइल एल्कोहल है कॉपर पास कीजिएगा एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ प्लस एच टू फॉर्मल्डिहाइड बनेगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच कॉपर पास कीजिएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें आपका सी एस थ्री सी एच ओ बनेगा इसमें भी आपकी एच टू निकलेगी हाइड्रोजन गैस एसिटाल्डिहाइड बनेगा इथाइल एल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड कीटोन अंडर सिमिलर कंडीशन सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म कीटोन्स आर सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड आर एस एरो का निशान लगाइए प्लस ऑक्सीडेशन माइनस एच टू ओ आर सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड आर एस कीटोन्स बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल सी एच से सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ओ एच यानी कि ये आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा इसमें आप रिमूवल कर दीजिएगा एच टू ओ को एच टू ओ को रिमूवल करने पर आपका बन जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी से अटैच कीजिएगा डबल बॉन्ड ओ एसीटोन यानी कि कीटोन इसमें एच टू ओ निकलता है ऑन पेज नंबर थ्री आर सी एच से सिंगल बॉन्ड से आर दूसरा एल्काइल ग्रुप आर डैश जो अटैच कीजिएगा दो एल्काइल ग्रुप हो गए आर 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 डैश सी एच ओ एच हो गया आपका ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया कॉपर पास कीजिएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंडरी एल्कोहल है तो बन जाएगा आर आर डैश ये सिंगल वैलेंसी के साथ
R को भी सिंगल वैलेंस के साथ और R डैश को भी सिंगल वैलेंस के साथ C से अटैच करते हुए डबल बॉन्ड हो कीटोन बनेगा प्लस H2 निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CH3 ये CHOH, ये आपका है, इस पे कॉपर पास कीजिएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी डबल बॉन्ड हो और सी से दो सी एस थ्री अटैच कीजिएगा, दो एल्काइल ग्रुप मिथाइल के प्रोपेनॉल टू बन जाएगा। प्रोपेनॉल टू से प्रोपेनॉल टू कैसे बनाओगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल था, सेकेंडरी एल्कोहल है, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच के साथ सिंगल साइड चेन में ओ एच लगा दीजिएगा, प्रोपेनॉल टू है, इसमें कॉपर पास कीजिएगा, एच टू इसमें निकाल दीजिएगा, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी के साथ डबल बॉन्ड ओ नीचे की साइड में अटैच कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री प्रोपेनॉल टू बन जाएगा प्लस एच टू निकल जाएगी। नंबर टू, बाय द डाई डिस्टिलेशन ऑफ द साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एल्डिहाइड बाय हीटिंग कैल्शियम फार्मेट अलोन, फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय द हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फार्मेट एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ एनी अदर फैटी एसिड खोमा अदर एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड। तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कीजिएगा, सी ए सी ओ थ्री रिमूव कर दीजिएगा, एस सिंगल बॉन्ड सी एच ओ प्लस सी ए सी ओ थ्री फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इसी टाइप से आप कैल्शियम फॉर्मेट सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री सी ओ सी ए से लिंक कीजिएगा प्लस सी ए और सी ओ सी एच और सिंगल बॉन्ड के साथ ओ सी एच यानी कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट को लीजिएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा टू मोल्स ऑफ सी एस थ्री सी एच ओ प्लस टू मोल्स ऑफ सी टू सी ए सी ओ थ्री, ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा आपका। ऑन पेज नंबर फोर, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कीजिएगा, इज इक्वल टू एस सिंगल बॉन्ड सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड प्लस सी ए सी ओ थ्री निकाल दीजिएगा। इसी टाइप से आर सी ओ का होल ट्वाइस सी ए प्लस एस सी ओ का होल ट्वाइस सी ए, ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, इज इक्वल टू टू आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ प्लस टू सी ए सी ओ थ्री, इस टाइप से आप सी एस सी सी ओ का होल ट्वाइस सी ए प्लस एस सी ओ का होल ट्वाइस सी ए कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट का मिक्सचर ले लीजिएगा, इज इक्वल टू टू सी एस सी एच ओ प्लस टू सी ए सी ओ थ्री, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और या इस टाइप से भी ले सकते हैं, एस सी ओ एस सी ओ सी से सी ए कैल्शियम से अटैच कीजिएगा, बिकॉज द वैलेंस ऑफ द कैल्शियम इज टू, सो फॉर्मेट के हमने दो मोल्स लेने पड़ रहे हैं, इज इक्वल टू एस सिंगल बॉन्ड सी एच ओ ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा प्लस सी ए सी ओ थ्री रिमूव हो जाएगा। इसी टाइप से सी एस सी सी ओ सी एस सी सी ओ सिंगल बॉन्ड के साथ सी ए से अटैच कीजिएगा प्लस और सी ए सिंगल बॉन्ड ओ सी एच फॉर्मेट हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ ओ सी एच और इसमें टू मोल्स ऑफ सी ए सी ओ थ्री निकाल दीजिएगा प्लस टू सी एस सी सी एच ओ बन जाएगा प्लस टू सी ए सी ओ थ्री निकल जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा कैल्शियम एसिटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट से। कीटोन्स बाय हीटिंग कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स ब्रैकेट में एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट कीटोन्स आर फॉर्म, आर सी ओ का होल ट्वाइस सी ए इज इक्वल टू आर सी ओ आर कीटोन बन जाएगा प्लस सी ए सी ओ थ्री सी एस सी सी ओ सी एस सी सी ओ सी ए से लिंक कर दीजिएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, इज इक्वल टू सी एस थ्री सी से लिंक कर दिया डबल बॉन्ड ओ प्लस सी ए सी ओ थ्री एसीटोन बन जाएगा कैल्शियम एसिटेट से, एसीटोन कैसे बनता है। ऑन पेज नंबर फाइव, नंबर थ्री, बाय द एडिशन ऑफ द वाटर टो एल्काइंस नंबर ए एल्डिहाइड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच टू ओ, ये एसिटाइलिन है, इस पर डायलूट एच एस ओ फोर एच जी एस ओ फोर का रिएक्शन कराइएगा, सी एस सी एच ओ बन जाएगा एसिटाइल्डिहाइड। इस टाइप से बच्चों को रटना पड़ता है, लेकिन इसे समझाया गया है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसे वर्टिकल लिखिएगा प्लस एच पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड ओ एच नेगेटिव ये भी वर्टिकल लिखिएगा, 20% एच एस ओ फोर और 80% एच जी एस ओ फोर लीजिएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच विनाइल एल्कोहल, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच को विनाइल बोलते हैं, इसका रीअरेंजमेंट कर दीजिएगा, एच ऊपर पहुंच जाएगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। बी कीटोन सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच टू ओ डायलूट एच एस ओ फोर एच जी एस ओ फोर का रिएक्शन आएगा सी एस सी सी ओ सी एस सी बन जाएगा, ये आपको एसीटोन बनेगा, ये आपको प्रोपाइन फर्स्ट स्टेप एसीटोन कैसे बनता है ये रटना पड़ सकता है, ये समझाया गया रिएक्शन को सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये वर्टिकली लिखेगा प्लस एच पॉजिटिव वर्टिकली ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू 20% एच प्लस ओ फोर 80% एच जी एस ओ फोर इज इक्वल टू सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी वर्टिकली सिंगल बॉन्ड साइड चेन में सी के साथ ओ एच लगाइएगा डबल बॉन्ड सी एच टू और आप रीअरेंजमेंट कर दीजिएगा जो सी के साथ ओ एच लगा हुआ उसका एच नीचे ले आइएगा रीअरेंजमेंट कीजिएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री एसीटोन बन जाएगा और सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच ओ एच एच जी एस ओ फोर 60% एच टू एस ओ फोर इजिकल टू एच सिंगल बॉन्ड सी सी के साथ सिंगल बॉन्ड में एच डबल बॉन्ड सी सी के साथ सिंगल बॉन्ड में एच
सिंगल बॉन्ड OH ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, इज इक्वल टू रिअरेंजमेंट कर दीजिएगा CH3CHO CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH इज इक्वल टू HGSO4 60% H2SO4 CH3 सिंगल बॉन्ड C साइड चेन में OH डबल बॉन्ड CH2 कहिएगा रिअरेंजमेंट कीजिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C के साथ लगाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन बन जाएगा। नंबर 4 बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ द वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड अदर एसिड्स आवर हीटेड कैटलिस्ट। ऑन पेज नंबर 6 फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लीजिएगा SCOH प्लस SCOH MnO ये कैटलिस्ट का काम करेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें CO2 आपका निकल जाएगा H2 आपका निकल जाएगा H सिंगल बॉन्ड CHO फॉर्मल्डिहाइड बनेगा RCOH प्लस HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया प्लस फॉर्मिक एसिड ले लिया MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करिएगा CO2 प्लस H2O रिमूव करिएगा प्रोडक्ट में R सिंगल बॉन्ड CHO बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा CH3COH इस पर एग्जांपल है प्लस HCOH ये फॉर्मिक एसिड है एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिएगा R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CO2 प्लस H2O एल्डिहाइड बन जाएगा CH3COH प्लस HCOH MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बने कीटोन्स बाई पासिंग वेपर्स ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड आवर हीटेड कैटलिस्ट RCOH प्लस HOCR एरो MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करिएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए गए हैं RCOR प्लस CO2 प्लस H2O कीटोन बन जाएगा CH3COH प्लस HOOC सिंगल बॉन्ड CH3 MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें भी आप CH3COCH3 एसीटोन बनाएगा प्लस CO2 प्लस H2O निकल जाएगा 4 एल्डिहाइड ओनली बाय रोजरमोंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स RCOCl विद H2 इन बॉइलिंग ए जाइलिन यूजिंग ए पैलेडियम और प्लेटिनम कैटलिस्ट सस्पेंडेड ऑन BSO4 एल्डिहाइड आर फॉर्म RCOCl प्लस H2 पैलेडियम ऑब्लिक BSO4 R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस HCl RCOCl ये आपका एसिड क्लोराइड है प्लस 2H रिडक्शन PD ऑब्लिक BSO4 R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस HCl एल्डिहाइड बनेगा CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड है प्लस 2H का रिडक्शन बॉइलिंग जाइलिन पैलेडियम बेरियम सल्फेट CH3CHO प्लस HCl एसिटाइल्डिहाइड बन जाएगा इसी टाइप का CCS5COCl पैलेडियम ऑब्लिक BSO4 लीजिएगा CCS5CHO प्लस HCl बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ऑन पेज नंबर 7 बाय स्टीफन रिएक्शन एन एल्काइल साइनाइड इज डिजोल्व इन ईथर एंड रिड्यूस विद SnCl2 प्लस HCl2 आइमीनो हाइड्रोक्लोराइड विच इज हाइड्रेटेड विद स्टीम टू एल्डिहाइड R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ये एल्काइल साइनाइड है इस पर रिएक्शन कराया SnCl2 प्लस HCl का बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl आइमीनो हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा इस पर H2O का रिएक्शन कराइएगा और अमोनियम क्लोराइड माइनस NH4Cl निकाल दीजिएगा R सिंगल बॉन्ड CHO बन जाएगा एल्डिहाइड दिस इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बन मोनोक्साइड CO प्लस RMgR लीजिएगा इज इक्वल टू RCOMgBr बन जाएगा इस पर हाइड्रोलाइसिस कराइएगा HOH का रिएक्शन कराइएगा RCO को H दे दीजिएगा RCHO बन जाएगा प्लस MgBr और इस एक Mg से OH जुड़ जाएगा एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। नंबर 1 H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ये हाइड्रोजन साइनाइड है प्लस CH3MgBr इज इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड C साइड चेन में नीचे सी के साथ सिंगल बॉन्ड में H लगाइएगा डबल बॉन्ड N MgBr बन जाएगा इस पर 2H2O का हाइड्रोलाइसिस कराइएगा N को 3 हाइड्रोजन दे दीजिएगा अमोनिया बन जाएगी MgBr को OH दे दीजिएगा और एक ऑक्सीजन आप CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H को दे दीजिएगा तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O साइड C के साथ साइड चेन में H आ जाएगा यानी कि CH3 बन जाएगा प्लस NH3 निकल जाएगा प्लस Mg सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड OH ये आपका रिमूव हो जाएगा। नंबर 2 कीटोन नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3MgBr इज इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड MgBr इस पर आप 2 हाइड्रोलाइसिस कराइएगा 2HOH से तो अमोनिया N को 3 हाइड्रोजन दे दीजिएगा H2 और H और MgBr OH हो जाएगा और CH3C को ऑक्सीजन दे दीजिएगा CH3CO CH3 प्लस NH3 प्लस MgBr OH बन जाएगा।
Number 3, acetyl chloride, CH3COCl plus ClMgCH3, methyl magnesium chloride is equal to CH3COCH3, acetone ban jayega plus MgCl2. That's all.